तीन दशक चार दशक तक लोग सेवा करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवांत लाभ के लिए सालों शिक्षा कार्यालय का चक्कर काटते हैं, तब जाकर कहीं उन्हें सेवा लाभ मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिन शिक्षकों और कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ समर्पित कर दिया, उन्हें मौके पर ही सेवांत लाभ दे दिया जाएगा। आगामी 30 सितंबर तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सम्मान पूर्वक सेवांत लाभ देने के लिए मंगलवार को शिक्षा विभाग के स्थापना कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी ने यह बातें कही। इससे पूर्व स्थापना प्रभारी कार्यक्रम जिला पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार देव कन्हैया और वरीय सहायक नर्मदेश्वर पाठक ने डीईओ का पाठशाल से स्वागत किया। सेवानिवृत्ति सह सम्मान समारोह का आयोजन आज किया गया है और पूरी जिंदगी जिन्होंने सेवा दी उनको सह सम्मान विदाई किया जाए, उनका जो लाभ है विभागीय स्तर पर मिलना वो उनको हाथ में उपलब्ध कराया जाए। ये मैंने स्थापना तिथियों को कहा था, ये परंपरा पूर्व में भी आयोजित होती थी और इसको अब करें जिससे उनको एक गर्व महसूस हो कि इस विभाग में मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम की और इसके एवज में हमें सब समय सम्मान पूर्वक विदाई मिले, तो इसीलिए मैंने ये आयोजन करने के लिए कहा था। और दूसरी बात है कि सेवानिवृत्ति इनकी हुई है लेकिन अब सेवा से मुक्त होकर के शिक्षा के लिए काम करेंगे और मेरी अपेक्षा इन लोगों से यही है, क्योंकि शिक्षक का सम्मान पूरे देश में सही स्तर पर होना चाहिए और शिक्षकों का भी को भी यह प्रदर्शित करना चाहिए कि शिक्षक ही समाज का निर्माता है और वास्तव में शिक्षक ही समाज के निर्माता होते हैं। कितना शिक्षकों को सेवा लाभ दिया है? आज 10 है जिसमें एक लिपिक भी है, 10 को सम्मानित किया गया। कि ये जो कार्यक्रम है सेवांत लाभ का किस ढंग से दिया जा रहा है, क्या हमारे विभाग का निर्देश भी है जो सेवांत लाभ का पेंडिंग मामला होता है उसका निष्पादन करने के लिए हम लोग प्रोफेसर अध्यालय भी लगाते भी रहे हैं। विगत कुछ दिनों से यह बंद हो गया था लेकिन मैडम के आने के बाद हम लोग को डायरेक्शन मिला जिसको शुरू कीजिए, इसलिए सरकार का आदेश भी है और उसी आदेश के आलोक में हम लोग आज प्रोफेसर अध्यालय लगाए हैं। इसमें जो पुराना पेंशन का मामला होता है वही लोग भी आते हैं और जो नए जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं या हुए हैं उनका भी मामला इसमें रखा जाता है और बहुत खुशी हो रही है कि बहुत दिनों के बाद फिर से हम लोग पेंशन अदालत के माध्यम से उन लोगों को हम लोग सम्मानित किए। जी सर, आप लोगों को आज सम्मानित किया गया है, आप अपने कार्यकाल का जो अनुभव है कुछ शेयर करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आज जिस तरह पदाधिकारियों के द्वारा हम लोगों को सम्मानित किया गया है उससे हम लोग बहुत अधिक गदगद हैं और जब तक सक्षम है तब तक प्रयास हम लोग का जारी रहेगा शिक्षा में अधिक से अधिक प्रगति हो उन्नति हो इसके लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे। शुभ नाम बताएं। अमरकांत झा मेरा नाम है। कहाँ से आप? मध्य विद्यालय नवटोली खबना महीना बेनीपुर से हम हुए। आप लोगों को आज सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे जी? आज जिस तरह से टीचर को सम्मानित किया गया है हम लोग बहुत प्रसन्न हैं कि इसी तरह से टीचर का सम्मान होता रहे और जब तक हम लोग जीवन में हैं शिक्षा से जुड़े हुए हैं अभी भी गांव के ही विद्यालय में जाके शिक्षा दान देते हैं, समाज में भी हम लोग मन में ठाने हुए हैं कि जब तक हम लोग सक्षम हैं शिक्षा दान देते रहें। शुभ नाम अपना। मेरा नाम शंकर पासवान, मध्य विद्यालय समैला